मुंबई स्थित मलाड के एक व्यवसायी की बाइक 3 महीने पहले चोरी हो गई थी और उसने पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। हैरान की बात यह है कि अब उस शख्स को यातायात पुलिस की तरफ से गोरेगांव ईस्ट स्थित ओबेरॉय मॉल के पास नो पार्किंग पर बाइक पार्क करने पर 1000 रुपए के ई चालान के द्वारा से जुर्माना भरने का एक मैसेज आया है। इस मामले को लेकर 30 वर्षीय व्यवसायी संजय शाह ने बताया कि 30 मई को मैं किसी काम से अंधेरी गया था और अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब के बाहर अपनी बाइक खड़ी कर दी। जब मैं वापस आया तो मुझे अपना बाइक नहीं मिला। शाह के मुताबिक वर्सोवा और अंधेरी पुलिस थानों का दौरा करने और ट्रैफिक पुलिस को लापता बाइक के बारे में सूचित करने के बावजूद बाइक नहीं मिली और उसके बाद उसने डीएन नगर थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। मैं फोन पर अधिकारी के संपर्क में रहा हूं और उसे कई बार फोन किया है लेकिन उन्होंने कहा कि जांच जारी है। शाह ने आगे बताया कि बीते 19 जुलाई को मेरे मोबाइल पर एक ई चालान का मैसेज आया। जब मैंने लिंक ओपन किया तो मैंने अपनी बाइक की फोटो देखी जो ओबेरॉय मॉल के पास खड़ी थी। अगर एक्टिवा को नो पार्किंग जोन में पार्क किया गया था तो डीएन नगर पुलिस ने इसकी जानकारी लेने की कोशिश क्यों नहीं की? फोटो में आगे और पीछे की प्लेटों का नंबर अलग अलग था तो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने वाहन को जब्त क्यों नहीं किया? ये सवाल उठता है। बता दें कि इसके बाद शाह ने संबंधित जांच अधिकारी को ई चालान के बारे में बताया। शाह ने कहा कि उन्होंने मुझे सब इंस्पेक्टर मीनल भोंसले से मिलने के लिए डीएन नगर पुलिस स्टेशन में 2 बार बुलाया। जब मैं पुलिस थाने पहुंचा तो वो आसपास नहीं थे। मलाड से डीएन नगर पुलिस स्टेशन तक रोजाना यात्रा करना संभव नहीं था, इसलिए भोंसले से उचित प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद मैंने मामला छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।